और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से मिल रही है। सिंगू बॉर्डर पर पत्थरबाजी हुई है, किसानों और स्थानीय लोगों के बीच पत्थरबाजी हुई है। लोगों ने किसानों के टेंट उखाड़े हैं, तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। सिंगू बॉर्डर पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। तो यहां पर एक बार फिर से स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। पत्थरबाजी हुई है सिंगू बॉर्डर पर, किसानों और स्थानीय लोगों के बीच पत्थरबाजी हुई है। स्थानीय लोगों और किसानों के बीच पत्थरबाजी हुई है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिंगू बॉर्डर की, जहां पर स्थिति अनियंत्रित होती दिखाई दे रही है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। दोनों तरफ से भारी पथराव हो रहा है। लोगों ने किसानों के टेंट भी उखाड़े हैं। अब आंदोलन के बीच एक बार फिर से बवाल होता यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है। लगातार कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसानों और स्थानीय लोगों के बीच पत्थरबाजी हुई है। स्थिति यहाँ पर अनियंत्रित होती दिखाई दे रही है। एक बार फिर से बवाल मचा है। तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। सिंगू बॉर्डर खाली कराने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस बीच बचाव की कोशिश कर रही है, लेकिन स्थिति बिगड़ते देख लाठी चार्ज पुलिस ने कर दिया है। आंसू गैस के गोले भी पुलिस ने छोड़े हैं। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों और किसानों के बीच पत्थरबाजी हुई है, झड़प हुई है। कईयों को चोटें भी निश्चित रूप से आई होंगी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। सिंगू बॉर्डर खाली कराने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी पुलिस बल तैनात है वहां पर। किसानों और स्थानीय लोगों के बीच पत्थरबाजी हुई है। आंसू गैस के गोले भी पुलिस ने छोड़े हैं। पुलिस लगातार बीच बचाव का प्रयास कर रही है, लेकिन सिंगू बॉर्डर पर बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। झड़प में कई लोगों को चोटें भी आई हैं। भारी पुलिस बल वहां तैनात है। प्रदर्शन किया जा रहा है। सिंगू बॉर्डर खाली कराने को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। बीच बचाव के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है वहां पर। तो बता दी कि एक बार फिर से सिंगू बॉर्डर पर बवाल की स्थिति निर्मित हो गई है। जिस प्रकार से बीते दिन देखा गया था 26 जनवरी को काफी ज्यादा बवाल हुआ था, तो आज भी स्थिति अनियंत्रित होती दिखाई दे रही है। किसानों और स्थानीय लोगों के बीच पत्थरबाजी हुई है, झड़प हुई है उनके बीच। लोगों ने किसानों के टेंट उखाड़े हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। बीच बचाव में पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। तो स्थानीय लोगों और किसानों के बीच इस प्रकार की झड़प हुई है। सिंगू बॉर्डर खाली कराने को लेकर यह प्रदर्शन हुआ है। लोगों ने किसानों के टेंट भी उखाड़े हैं। वहीं पुलिस को भी लाठी चार्ज करना पड़ा है। बता दें कई लोग इसमें घायल हुए हैं। पत्थरबाजी हुई है, झड़प हुई है स्थानीय लोगों और किसानों के बीच। तो एक बार फिर से अनियंत्रित स्थिति यहां पर होती दिखाई दे रही है। तो अनुमान जिस प्रकार से लगाया गया था, पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो किसान आंदोलन अलग ही रूप में दिखाई दे रहा है। फिर से एक बार सिंगू बॉर्डर पर अब बवाल हुआ है। पत्थरबाजी हुई है, स्थानीय लोगों और किसानों के बीच झड़प हुई है। पुलिस भी बीच बचाव का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी भी टिकैत से मिले थे। तो आज अब देखा जा रहा है यहाँ पर स्थानीय लोग अब खाली कराने की मांग कर रहे हैं सिंगू बॉर्डर को, और इसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पत्थरबाजी हुई है किसानों और स्थानीय लोगों के बीच। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। पुलिस बीच बचाव का प्रयास कर रही है। इसी के चलते पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद है।
लाठीचार्ज भी करना पड़ा पुलिस को। स्थानीय लोगों ने किसानों के टेंट वहां से उखाड़े हैं, खाली कराने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है, बॉर्डर खाली कराने का। तो एक अलग ही रूप में यहां किसान आंदोलन दिखाई दे रहा है, लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर की। एक बार फिर से वहां स्थिति बेकाबू हुई है, स्थानीय लोगों और किसानों के बीच पत्थरबाजी हुई, झड़प हुई है किसानों और स्थानीय लोगों के बीच, जिसके बाद टेंट उखाड़े हैं लोगों ने किसानों के। यहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं, कई लोगों को इसमें चोटें आई हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रित नहीं हो रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां सिंघू बॉर्डर पर पत्थरबाजी हुई। स्थानीय लोगों ने इस बार किसानों के साथ पत्थरबाजी की है, झड़प हुई है स्थानीय लोगों और किसानों की। उनकी मांग है कि सिंघू बॉर्डर को खाली किया जाए, जिसको लेकर ये झड़प हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने वहां लाठी चार्ज किया है। बता दें कि सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पर पहले से ही बढ़ा दी गई थी। तो धरना स्थल को भी चारों ओर से ब्लॉक कर दिया गया था, पक्के बैरिकेड्स लगाए गए थे वहां पर, और फिलहाल भी मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। पत्थरबाजी हुई है स्थानीय लोगों और किसानों के बीच, तो स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास लगातार पुलिस द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि वहां पुलिस ने बीच बचाव में लाठी चार्ज किया है, आंसू गैस के गोले भी पुलिस ने छोड़े हैं। बड़ी संख्या में वहां किसान भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं, पुलिस भी मौजूद है वहां पर। सिंघू बॉर्डर खाली कराने को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है स्थानीय लोगों द्वारा, लेकिन किसानों और लोगों के बीच झड़प भी हुई, कई लोगों को चोटें भी आई है इसमें। खाली करो के नारे शायद आप भी सुन रहे होंगे। स्थानीय लोगों की मांग है कि सिंघू बॉर्डर को खाली किया जाए, और उसी को लेकर किसानों और स्थानीय लोगों के बीच पत्थरबाजी हुई है, झड़प हुई है उनके बीच। लोगों के और किसानों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस को बीच बचाव में लाठी चार्ज करना पड़ा। तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे, लोगों ने किसानों के टेंट वहां से उखाड़े हैं, लोगों की मांग है सिंघू बॉर्डर खाली किया जाए। तो आज महापंचायत भी आयोजित की गई थी 11 बजे, इसमें यूपी से भी कुछ किसान शामिल होने वाले थे, जिसके बाद अब यहां पर अलग ही नजारा देखा जा रहा है। किसान आंदोलन ने अब एक अलग ही रूप ले लिया है, लगातार बवाल की स्थिति बनती आ रही है, और अब स्थानीय लोगों और किसानों के बीच झड़प हुई है। लोगों ने किसानों के टेंट उखाड़े हैं, पुलिस ने बीच बचाव में लाठी चार्ज किया है, आंसू गैस के गोले पुलिस ने छोड़े हैं, सिंघू बॉर्डर खाली कराने को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कई लोगों को इसमें चोटें भी आई हैं। बड़ा प्रदर्शन है ये, स्थानीय लोगों ने ये प्रदर्शन किया है, बॉर्डर खाली कराने को लेकर ये प्रदर्शन है। आक्रोशित लोगों ने किसानों के टेंट भी उखाड़े थे, और इसी के चलते किसानों और स्थानीय लोगों के बीच टकराव की स्थिति निर्मित हुई, पत्थरबाजी हुई दोनों के बीच। भारी पुलिस बल फिलहाल मौके पर मौजूद है, हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर पहले ही पुलिस बल तैनात कर दिया गया था वहां पर, बैरिकेटिंग भी की गई है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, अलीपुर एसएचओ को तलवार लगी है। तो इस झड़प के बीच अलीपुर एसएचओ को तलवार लगी है, किसानों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हुई है।
बता दें कि स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं अलीपुर के, जिन्हें इस झड़प में तलवार लगी है, तलवार चलने की खबरें भी अब सामने आ रही हैं। यहां पर स्थिति बेकाबू होती दिखाई दे रही है, किसान आंदोलन ने अलग ही रूप ले लिया है। अब स्थानीय लोगों और किसानों के बीच जिस प्रकार से झड़प हो रही है उसके चलते कई लोग यहाँ घायल हुए हैं। और अगर बात की जाए अलीपुर स्टेशन हाउस ऑफिसर की, तो उन्हें तलवार लगी है इसमें। पुलिस को बीच बचाव में आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठी चार्ज पुलिस को करना पड़ा। तस्वीरें आपको लगातार लाइव दिखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर से, जहां भारी पुलिस बल तैनात दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रदर्शन लगातार जारी है, चाहे आम लोगों का कहा जाए, चाहे किसानों का कहा जाए। साफ देखा जा रहा है कि इस प्रकार से अन्नदाता यहां समस्या का सबब बनते दिखाई दे रहे हैं। आम लोगों ने भी अब इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। सिंघू बॉर्डर खाली कराने की वहां स्थानीय लोगों की मांग है, और इसी को लेकर किसानों के टेंट भी उखाड़े थे। पत्थरबाजी हुई है स्थानीय लोगों और किसानों के बीच, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है, सुरक्षा के मद्देनजर पहले ही पुलिस को वहां तैनात किया गया था। पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। स्थानीय लोगों की मांग है कि सिंघू बॉर्डर को खाली कराया जाए। पत्थरबाजी यहां पर हुई है, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। बता दें कि किसान आंदोलन ने 26 जनवरी को एक अलग ही रूप लिया था, जिसके बाद से अब लगातार स्थिति बिगड़ती ही दिखाई दे रही है। अब स्थानीय लोगों ने भी किसानों का विरोध यहां पर किया है, और इसी के चलते स्थानीय लोगों ने सिंघू बॉर्डर खाली कराने की मांग की है। उसी को लेकर प्रदर्शन स्थानीय लोगों ने यहां किया है। खाली करो की लगातार मांग वहां पर उठ रही है। किसानों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हुई है। पुलिस ने इसके बाद लाठी चार्ज भी किया है। प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी है। स्थानीय लोगों की मांग है कि सिंघू बॉर्डर को खाली कराया जाए। उन्होंने किसानों का टेंट भी उखाड़ा है वहां से। देखिए किसान मजदूर संघ समिति के नेता सतनाम सिंह पन्नू ने भी कहा था कि केंद्र सरकार आरएसएस के लोगों को भेजकर किसानों के धरना स्थल पर माहौल बिगाड़ रही है। हालांकि लगातार केंद्र सरकार पर भी इसे लेकर आरोप लग रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन की यदि बात की जाए तो लगातार स्थिति वहां पर बिगड़ती दिखाई दे रही है। हर दिन एक नया मोड़ यहाँ दिखाई दे रहा है किसान आंदोलन में, और आज स्थानीय लोगों और किसानों के बीच झड़प हुई है। जैसा कि तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुलिस ने भी यहां लाठी चार्ज किया है। प्रदर्शन लगातार जारी है स्थानीय लोगों का। सिंघू बॉर्डर खाली कराने की मांग उनके द्वारा की जा रही है। एसएचओ घायल हुए हैं, यहां पर तलवार लगी है उन्हें, तलवारबाजी भी यहां की जा रही है। बवाल की स्थिति एक बार फिर सिंघू बॉर्डर पर बनती दिखाई दे रही है। लगातार नारेबाजी कर रहे हैं लोग, बॉर्डर खाली कराने की मांग कर रहे हैं। किसानों के टेंट भी वहां उखाड़े हैं। तो आक्रोशित किसानों ने भी पत्थरबाजी की, दोनों के बीच पत्थरबाजी हुई, तलवारबाजी भी हुई है, क्योंकि अलीपुर थाने के एसएचओ पर तलवार चली है, जिसके चलते वो घायल भी हुए हैं। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। वही पूर्व
पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट करते हुए बीजेपी की तुलना ब्रिटिश हुकूमत से की है। साथ ही दिग्विजय सिंह ने किसानों को स्वतंत्रता सेनानी बताया और कहा कि ब्रिटिश ने भी राजद्रोह का केस लगाया था। बता दें कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन किसानों का आंदोलन हिंसक हुआ था और आज भी यहां पर आंदोलन हिंसक होता दिखाई दे रहा है, जहां स्थानीय लोगों ने भी किसानों का विरोध करना शुरू कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा था। वहीं किसान आंदोलन को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया है। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर से, जहां पर भारी विरोध स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहां किसान भी मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में किसान मौके पर मौजूद हैं। पुलिस ने यहाँ विवाद की स्थिति जब निर्मित हुई थी तो आंसू गैस के गोले छोड़े थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया है, किसानों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, किसान का बेटा हूं, किसानों के लिए लड़ूंगा, किसानों को तोड़ने की कोशिश करने वाले जान लें, छत्तीसगढ़ की एक ही आवाज है, जय किसान। तो लगातार अब इसमें देखा जाए तो राजनीति भी यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। ये महापंचायत के दृश्य आपको दिखा रहे हैं, किसान महापंचायत का आज आयोजन किया गया था, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था और वहीं दूसरी ओर यदि बात की जाए तो सिंघू बॉर्डर में खाली कराने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने यह प्रदर्शन किया है, उसकी भी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। पुलिस किस प्रकार से लोगों को खदेड़ने का प्रयास कर रही है। पुलिस बीच बचाव के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, लाठीचार्ज किया है। पहली बात है, नेशनल फ्लैग का ये गलत बात कर रहे हैं माननीय राष्ट्रपति जी। नेशनल फ्लैग को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, नेशनल फ्लैग तो ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। जो उस वो लड़का एक फेंक रहा है नेशनल फ्लैग को, उससे ज़्यादा तो पुलिस ने फेंके हैं नेशनल फ्लैग ट्रैक्टरों से उठा उठा कर। उनके बारे में राष्ट्रपति जी नहीं बोले। राष्ट्रपति जी का ये माननीय राष्ट्रपति जी, हम भी आज गए थे, हमने क्योंकि मेरे को जाने नहीं दिया, बिट्टू जी को जाने दिया क्योंकि ये तो अंदर सीट थी, लेकिन ये पहली बार है, नहीं तो पहले जितनी सीट खाली थी एमपी बैठ सकते थे, पहली बार है उन्होंने हमें बाहर रोक दिया और मैंने वहीं प्रदर्शन किया बाहर बैठकर, और बिट्टू जी ने अंदर प्रदर्शन किया। और ये राष्ट्रपति जी गुलाम हो चुके हैं, राष्ट्रपति जी स्टेट हेड हैं, सभी स्टेट के जितने भी स्टेट हैं उनके हेड हैं। राष्ट्रपति जो स्टेटों ने कानून पास किए उनको लागू क्यों नहीं करते, नहीं लागू करने उनको वापस करोगे, नहीं करने वो अगले सुप्रीम कोर्ट में जाए। लेकिन राष्ट्रपति जी 120 मौतों